सम्मानित मंच, स्कूल स्टाफ और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको स्वामी विवेकानंद जी जो पिछली शताब्दी के एक महान व्यक्तित्व थे उनकी जयंती के इस समारोह पर बहुत बहुत बधाइयाँ। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जब आप मेरे यूथ होते हैं तो क्यूरियोसिटी होती है कि जिसको सुन रहे उसको जाने तो नहीं होते। मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह है, करणपुर के पास मेरा गाँव है और पहले मैं 5 साल टीचर रहा था। अभी करंट में मैं GST इंस्पेक्टर की पोस्ट पर गंगानगर में काम कर रहा हूँ और आगे मेरा RAS में सिलेक्शन हुआ है 51 रैंक पे। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा स्कूल मिला जिसमें आपके करियर को लेकर शाला स्टाफ द्वारा इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया गया, इतने अच्छे जो गाइडेंस है, गाइड करने वाले उनसे आपको इंटरेक्शन का मौका मिला है। तो मैं भी पहली से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ तो हमने ऐसा कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया था, तो ये आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी बात है। तो आपको इसके लिए अपने शाला परिवार का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। और बात करें आज करियर डे की, तो करियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हम भी आपके से जस्ट आपसे अगली जो यूथ है उसी में से हैं, तो हमने वो संघर्ष कर लिया है, आप आगे अभी करोगे। आप शायद 11वीं 12वीं के बच्चे हैं ज़्यादातर, तो मैं 2 एस्पेक्ट में आपसे बातें करना चाहूँगा, एक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और एक आपके करियर के बारे में। सबसे जो जैसे अपने मकान बनाते हैं वैसे ही अपना पर्सनैलिटी का एक स्ट्रक्चर बनता है। जब सबसे पहले अपने मकान बनाते हैं उसमें दीवारें बनाते हैं, छत लगाते हैं, वैसे वो मिस्त्री सारी चीज़ें करता है। उसके बाद जब मकान बनकर तैयार हो जाता है आप उसमें इंटीरियर लगाते हैं, वो अपनी चॉइस का लगाते हैं, घड़ी लगा ली, सोफे लगा लिए, LED लगा ली, पेंट करवा लिया, वॉलपेपर लगवा लिए, करते हैं ना ऐसा कि आपको जो चीज़ अच्छी लगी आपने वो चीज़ लगा ली। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो आपको बना के दिया आपके आर्किटेक्ट ने, आपके मिस्त्री ने, जो इंजीनियर था जिसने मैप बनाया उसने, वैसे ही आपका करियर चलता है। वैसे ही आपकी जब तक जो टीचर है वो आपके करियर के आर्किटेक्ट है, वो आपकी शेप बना देंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। लेकिन जो उसकी इंटीरियर है, जो उसकी सजावट है, वो आपको खुद करनी है। आपको रास्ता टीचर दिखाएगा लेकिन चलना खुद को ही है। तो सबसे पहले तो आप अपनी पोटेंशियल पहचानोगे कि किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है और किस चीज़ को मैं कर पाऊंगा। आपको लगता है कि मैं आर्मी के लिए फिट हूँ, मैं टीचर के लिए फिट हूँ, मैं बैंकिंग सेक्टर के लिए फिट हूँ, मेडिकल लाइन के लिए फिट हूँ, मेरा इंटरेस्ट है उसमें, मैं ये बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ, तो आप उसके लिए प्रयास करो। लेकिन एक चीज़ है जो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखना, दृढ़ नहीं होना कि यही बनना है। हो सकता है प्रकृति आपको कुछ और बनाना चाह रही है और आप कुछ और बनना चाह रहे हैं। ईमानदारी से प्रयास करो जो आप बनना चाह रहे हैं, अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद, तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति ने आपके लिए कुछ और चीज़ सोच रखी है। आप में से ज़्यादातर ने मूवी देखी होगी महेंद्र सिंह धोनी वाली, देखिए ना, तो वो टिकट कलेक्टर लगते हैं, तो उसको लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बना, तो बाद में वो दुनिया के सफलतम कप्तान बने। अगर वो वहीं रुक जाते तो आज भी वही होकर दुनिया को एक बेस्ट जो कैप्टन है वो नहीं मिलता। आप में से भी आगे बढ़ोगे, कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कोई एजुकेशन लाइन में जाएगा, कोई मेडिकल लाइन में जाएगा, बहुत सारी लाइनें हैं, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कैलिबर के अनुसार, अपनी पोटेंशियल के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार। दूसरी जो बात है वो है आपकी पर्सनैलिटी। अपने आप में से मनोविज्ञान के स्टूडेंट होंगे बहुत सारे, है इसमें से मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी नहीं है, नहीं है, तो मनोविज्ञान में एक वर्ड आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की जो सबसे हॉट पॉइंट होता है वो यही होता है यंग एज, 3 एज, क्योंकि इसमें इमोशंस होते हैं बहुत ही तेज होते हैं। तो आप जिस तरह के फ्लो में चलोगे आगे आपकी पूरी लाइफ वैसे ही उसी शेप में चलती जाएगी। तो पर्सनैलिटी में मैं सबसे पहले जो आपको बात सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है आपका हॉबीज। आप अपनी हॉबीज ऐसे डेवलप करनी है, अभी शुरू कर दो कि वो चीज़ बाद में जाके आपका शौक बन जाए।
आपको लगता है कि कोई गेम है वो आप खेलते हो, हॉबीज में खेलते हो, और अब अगर कोई हॉबी वाली चीज को आप प्रोफेशन में लेके आओगे तो वो आपके लिए एक एडवेंचर बन जाएगा, आपकी जॉब नहीं पड़ेगी, आपको मजा आएगा वो काम करने में। आप देखोगे जिस काम को आप काम समझ के करते हो वो काम आपको सजा लगने लगता है, लेकिन जिस काम को आप शौक से करते हो उसमें आपको मजा आता है। होता है ना ऐसा, आपको कह दें कि ये किताब पढ़नी है, वो आपके लिए टास्क है, आपको पढ़ाई करनी मुश्किल लगती है, लेकिन आपको बोल दे कि 3 घंटे मूवी देखनी है तो मजा आता है देखने में, क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं हॉबीज होती है। तो सबसे पहले जो अपने ध्यान रखना है वो अपने हॉबी, हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाए, आगे आपके करियर में काम आए। दूसरा जो मेन पर्सनैलिटी रिलेटेड दो आस्पेक्ट है, मेन आस्पेक्ट है वो है आपका ब्रांड सर्कल। आपको ब्रांड सर्कल कैसे बनाना है, अच्छे ब्रांड रखो जो आपको हमेशा गाइड करें, मोटिवेट करें, कोई बुरे रास्ते पे आप में से चलता आप उसको रोकें, और एक सर्कल के रूप में आदमी के जो कामयाब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति 5 जनों जो 5 मित्रों के साथ रहता है उसका एक औसत होता है। अगर आप में से आपके 4 ब्रांड मूवी देखने के शौकीन रखते हैं तो आप में भी वो गुण आ जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आपके 4 ब्रांड है वो खेलने के शौकीन है तो आप में भी कहीं ना कहीं वो गुण आ जाएगा। अगर आप लेट उठते हो लेकिन आपके 4 ब्रांड है वो जल्दी उठते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं जल्दी उठने लग जाओगे। ऐसा बहुत कम चांस है कि आप 4ों को भी आलसी कर लो। तो दूसरा ये चीज है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में ये छोटी छोटी चीजें ये सुधार लानी है। जब हम 11वीं 12वीं में थे तो हमारा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। मैं नॉन मेडिकल से 11वीं 12वीं किया तो हम तो बस स्कूल आए और घर चले गए, बस यही चीज थी। जब कॉलेज में गया आगे ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया में तो वहाँ पे इंटरेक्शन होना शुरू हुआ लोगों से, वहाँ पे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे सर ने भी बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता हुई वहाँ भी होती थी, लेकिन हमारे स्कूल लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो चीज़ हमने वास्तव में मिस की है और आप लकी हो कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका रहता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की। करियर के रूप में बातें करें तो करियर के रूप में आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। उसमें आपको जैसे ही आपकी बीए होगी, बीए लास्ट ईयर में जाओगे या बीएससी करोगे, कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी आप स्ट्रीम में कर सकते हैं, तो उसके बाद आप लास्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए, या इसके अलावा आप पंजाब पीसीएस के लिए दे सकते हैं, एमपी पीसीएस के लिए दे सकते हैं, यूपी पीसीएस के लिए दे सकते हैं। हर एक स्टेट की होती है, अपने जो राजस्थान की प्रशासनिक सेवा उसको आरएएस बोलते हैं, तो उसके लिए आपका जीके वो अभी आप सब्जेक्ट के रूप में जैसे राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं उसी में से होता है। फिर जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेन सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आपने अभी से मन बना लिया और अभी आपने 11वीं 12वीं से ही इन चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी शुरू कर दी, ग्रेजुएशन में आपने इन पर कमांड कर ली, तो आपको तैयारी करने में दिक्कत नहीं आएगी। अपना जो गंगानगर या इस करणपुर का साइड, ये अपने छोटे कस्बे में आते हैं और यहाँ का एजुकेशन लेवल काफ़ी पिछड़ा हुआ मानते हैं हम अभी दूसरे। अब जब आप आगे जाओगे आप देखोगे कि आपका जो कंपटीशन है आगे किससे होगा, जो बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे हैं, जिनमें 7वीं 8वीं के बाद ही इन चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, स्पेशल क्लासेस जो होती है उनके साथ है, लेकिन अपने उनसे किसी भी एरिया में कम नहीं है, कंपटीशन देते हैं और सफल भी होते हैं, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो स्पून फीडिंग एजुकेशन सिस्टम होता है। स्पून फीडिंग का मतलब होता है कि उनको सारी चीज़ें तैयार मिलती हैं, और जब शेर को अगर सारी चीज़ें, शेर के बच्चे को अगर सारी चीज़ें शिकार किया किराया मिलेगा तो शेर लास्ट में क्या होता है, शिकार करना भूल जाता है। लेकिन अपने क्या होता है कि सुविधाएं कम होती हैं, संघर्ष करते हैं, चीज़ें खुद करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, तो अपने सफलता के चांसेज हैं वो ज़्यादा बनते हैं। आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि माता पिता मजदूरी करते हैं, बेटा डॉक्टर बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, रिक्शा चलाते हैं माता पिता, ऐसा पढ़ते हैं ना, क्योंकि उन्होंने संघर्ष है वो खुद किया होता है, और जब संघर्ष करते हैं छोटी उम्र में तो आदमी का जो सफलता का चांसेज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसने उन चीज़ों को सीख लिया है।
तो यही है मेरी आपसे संदेश आज इस करियर डे पे कि आपको एक अच्छा स्कूल मिला है, इसके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली हो। 11वीं 12वीं आप अच्छे से कंप्लीट करो, एजुकेशन को अच्छे से समझो, अपनी हॉबीज को जानो, अपने व्यक्तित्व का विकास करो और करियर के रूप में जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको चुनो। दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करना कि हमने न्यूज़पेपर में किसी को देखा वो ये बन गया और अपने भी वही बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप यूनिक हो, आपके लिए अलग रास्ता है, आपके लिए अलग माध्यम है सफलता का। थैंक यू।